चंदौली में सिरौरा में 32 साल पहले 7 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के रामचंद्र यादव के बेटे हमारे साथ हैं, आपका नाम है दिनेश यादव, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में किस तरीके से कार्रवाई चली और क्या कुछ फैसला रहा। आप को लेकर के कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट के फैसले से तो बिल्कुल हम असंतुष्ट हैं और कोर्ट से हम बड़ा उम्मीद किए थे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो है ठंड के दिन में, मेरी माँ की अवस्था करीब 80-85 साल के लमसम है, और इनको लेकर हम लोग इतना परेशान हुए कि चलिए हम लोगों को न्याय मिल जाएगा, लेकिन न्याय नहीं मिला। और इससे पहले भी हम लोगों को न्याय न मिलने से पहले ही आभास हो गया हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इस वजह से हमने जज के खिलाफ ADJ थर्ड के यहाँ जो है 156(3) में हमने वाद दाखिल कर दिया कि हमें जो है न्याय इनसे मिलने की उम्मीद नहीं है। चूँकि अब जिस मैटर पर ये बातचीत कर रहे थे तो ऐसे हमको पहले से ही महसूस होने लगा था कि ये जो है न्याय हमको नहीं दे पाएंगे। एक किस मुद्दे पर बात कर रहे थे आपसे? अब जैसे इस जो मैटर था मैटर से हटकर बात कर रहे थे, मैटर से हटकर बात कर रहे थे। जब गवाही शुरू हुई हम लोगों की, तो गवाही में जो पूछना चाहिए, जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए, उस मुद्दे पर बात नहीं हो रही थी। तो देखने से भी हमें आभास हुआ कि नहीं, जो नहीं मिल पाएगा इसके इनके खिलाफ, फिर हम जो है कोर्ट बदलवाने के लिए हमने अपील किया। जिला जज के यहाँ हम गए, उनसे जो है घंटों जो है वहाँ खड़े रहे हम लोग, उनसे अप्लीकेशन वगैरह दिए और कहे भी कि नहीं हमारा मुकदमा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जिला जज ने जो है मतलब ये लिखित तौर पर ये दे दिया कि नहीं, जो है ये लोग दबाव बना के काम करना चाहते हैं, और जज जो है ईमानदार हैं, अब वो जो है अपने तरफ से लिख कर दे दिया। हम हाई कोर्ट गए जो है, वहाँ से भी हमें जो मतलब कोर्ट जो है हमारी नहीं बदल पाई। मतलब जिला जज जो है सेशन जज को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे, सर्टिफिकेट दे दिए, लिख कर दिए कि नहीं जो है मतलब ये ईमानदार हैं, दबाव बनाकर काम करना चाहते हैं, नहीं माने हमारी बात को, कोर्ट नहीं बदली, इसलिए हमें जो है न्याय नहीं मिल पाया। अगर कोर्ट बदल गई होती तो हमें न्याय मिल गया होता। इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि फैसला तो आपके अगेंस्ट आया है? हम हाई कोर्ट में अपील कर दिए हैं, अपील दायर हो गई है, 10 दिसंबर डेट पड़ी है हमारी, बहस होगी 10 दिसंबर को। तो आप रामचंद्र यादव के बेटे हैं दिनेश यादव, सोच सकते हैं 32 साल पहले आपकी उम्र क्या रही होगी, लगभग 9-10 साल की उम्र में जिन्होंने पिता को खोया, अपने घर परिवार के 6-7 लोगों को खोया, वो बता रहे हैं कि आज भी उन्हें न्याय नहीं मिला है, और जिस तरीके से कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर गुमराह किया उससे उन्हें एक तरीके से बहुत परेशानी हुई है, और वो अपनी माँ को लेकर के कोर्ट में भटकते रहे, कितनी बार गवाहियाँ हुई लेकिन फिर भी नतीजा सिफर रहा, और आज हालात हैं कि इन्हें हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जज को बदले जाने के लिए इन्होंने जिला जज के यहाँ गुहार भी लगाई थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। यही नहीं, यह भी जिला जज ने आरोप लगा दिया कि ये अपना दबाव बना करके फैसला करवाना चाहते हैं, जबकि ये इनका अधिकार है कि किसी भी जज को ये बदलवा कर किसी भी जिस जज को हाई कोर्ट या कहा जा सकता है जिला जज जिसे चाहे उससे फैसला देने के लिए वो नियुक्त कर सकते हैं, यह इनके अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन इन्हें इनका मौलिक अधिकार भी छीन लिया गया, और जिस जज को हटाने की ये बात कर रहे थे, जिसको लेकर के ये मान रहे थे कि वो बायस्ड फैसला दे सकते हैं, उनके पक्ष में फैसला दे सकते हैं, वही हुआ और फैसला इनके खिलाफ रहा। अखिलेश कृष्णमोहन, चंदौली।